सेल्फ डॉक्टर आलोक वर्धन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद दिस इज लेक्चर नंबर थ्री ऑफ दिस सब्जेक्ट अप्लाइड थर्मोडानेमिक्स इन दिस लेक् आई विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक एस आई एंड सी आई इंजन एस आई मीन्स स्पार्क इग्निशन इंजन मीन्स डीजल सॉरी पेट्रोल इंजन वेर एज सी आई मीन्स compression ignition engine yeah uh, diesel engines so uh, first of all uh, i will uh, give the brief introduction about si means spark ignition engines and ci means compression ignition engines then two stroke and four stroke cycle engines after completing these topics i will start द वर्किंग ऑफ एस आई एंड सी आई इंजन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एस आई एंड सी आई इंजन तो इनकेस ऑफ जो एस आई इंजन द बेसिक साइकिल इज ऑटोसाइकिल मीन्स कि जो हमारा एस आई इंजन है वह ऑटोसाइकिल पर वर्क करता है ऑटोसाइकिल मीन्स जो इसमें हीट एडिशन होता है वह कॉन्स्टेंट वॉलूम पर होता है हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन भी इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर जबकि केस ऑफ सीआई इंजन साइकिल की बात करें इसका जो बेसिक साइकिल है इट इज़ कॉल्ड डीजल साइकिल या डीजल साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वह कांस्टेंट प्रेशर पर होता है जबकि हीट रिजेक्शन ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है इन केस ऑफ ऑटोसाइकिल जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है जबकि इन द केस ऑफ सीआई इंजन हीट एडिशन तो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है बट हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है अब अगर हम फ्यूल की बात करें तो इन ऐसा इंजन गैसोलीन या, या पेट्रोल यूज होता है एज ए फ्यूल जबकि सीआई इंजन में डीजल ऑयल यूज होता है, है हाईली वोलाटाइल फ्यूल होता है जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वेरी हाई होता है बट इन जो डीजल ऑयल होता है वो नॉन वोलाटाइल फ्यूल होता है जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कंपरेटली लो होता है इसी वजह से एस आई इंजन में कंप्रेशन रेशियो कम रखते हैं सिक्स टू टेन के बीच में वैर एस आई इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो रखते हैं वो लगभग सोलह से बीस या चौबीस के बीच में वेरी करता है अगर हम लोड कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर जो एसआई SI इंजन में जो लोड कंट्रोल होता है वो थोटल कंट्रोल होता है और थॉटल कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इंट्रोड्यूस जो हमारा एसआई SI इंजन होता है यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आता है ड्यूरिंग सक्सन स्ट्रोक जबकि इन द केस ऑफ सीआई इंजन ओनली एयर इंट्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सक्सन स्ट्रोक फ्यूल को हम बाद में इंजेक्ट कराते हैं तो अगर लोड को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे टॉटल कंट्रोल होगा ठॉटल कंट्रोल जो हमारा एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है उसको कंट्रोल करता है बट इन द केस ऑफ सिया इंजन द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज रेगुलेटेड इन द पंप जो फ्यूल uh, पम्प होता है उसको हम फ्यूल को कंट्रोल करते हैं और एयर क्वान्टिटी को यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया जाता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो ड्यू टू लाइट वेट एंड ऑल्सो ड्यू टू होमोजीनियस कम्बशन दे आर हाई स्पीड इंजन लाइट वेट और होमोजीनियस जो एयर प्लस फ्यूल का जो कंबशन होता है वह यहाँ पे ऐसा है इंजन के केस में वो होमोजीनियस कंबशन है और ये वेट में हल्के भी होते हैं ये इंजन इसके वजह से ये हाई स्पीड इंजनस होते हैं जबकि ड्यू टू हैवी वेट एंड आल्सो ड्यू टू हीट्रोजीनियस कम्बशन दे आर लो स्पीड इंजन तो एक तो इनकी वेट हैवी होती है साथ ही साथ इनमें जो कम्बशन होता है फ्यूल का एयर के साथ वो हिट्रोजीनियस होता है इस वजह से ये लो स्पीड इंजन्स होते हैं हम बात करें कंप्रेशन रेशियो की इन द केस ऑफ एस आई इंजन जो कंप्रेशन रेशियो होगा वह सिक्स टू टेन है अपर लिमिट फिक्स है ड्यू टू एंटी नॉक क्वालिटी ऑफ द फ्यूल अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एंटी नॉकिंग की नॉकिंग का नॉकिंग uh, uh, अगर हो सकता है इस वजह से इसकी अपर लिमिट को हम फिक्स रखते हैं सिक्स टू टेन सी आई इंजन केस में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वह सोलह से बीस अपर लिमिट इज लिमिटेड बाई वेट इंक्रीज ऑफ द इंजन और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो इंजन का वेट भी इंक्रीज करेगा तो इस वजह से जो अपर लिमिट है वो अलिमिटेड होता है लगभग बीस के आसपास होता है लेकिन कंप्रेशन रेशियो होता क्या वट इज़ कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम अपॉन ऑन क्लियरेंस वॉल्यूम एंड टोटल वॉल्यूम इज़ द समेशन ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम तो इन द केस ऑफ एसाइन इंजन ये सिक्स टू टेन होता है और इन द केस ऑफ सॉरी इन द केस ऑफ इंजन इट इज इट इज सिक्स टू टेन वेर इन केस ऑफ सिया इंजन इट इज सिक्सटीन टू ट्वेंटी वेट की बात करें तो लाइटर ड्यू टू लोअर प्रीक प्रेशर इसका जो इन द केस ऑफ एसाई इंजन जो प्रेशर रेशी होते हैं वो लोअर होते हैं जिसकी वजह से ये लाइटर होते हैं जबकि इन द केस ऑफ सियाई इंजन ये हेवियर ड्यू टू हाई प्रीक प्रेशर इसमें हमें बहुत ज़्यादा कंप्रेस कराना पड़ता है एयर को जिसकी वजह से यहाँ पर प्रीक प्रेशर को अचीव करने के लिए यहाँ पे ये यह जो इंजन्स होते हैं वो हैवियर होते हैं ड्यू टू ऐसा इंजन्स थर्मल इफिशंसी की बात करें व्हाट इज थर्मल इफिशंसी इट इज़ द रेशियो ऑफ नेटवर्क डन अपॉन हीट सप्लाईड या इसको ये भी लिख सकते हैं नेटवर्क डन इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई तो अगर हम थर्मल एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो ऐसा इंजन होगा वह लो होगा बिकॉज ऑफ लोअर कंप्रेशन रेशियो बट इन द केस ऑफ सियाई इंजन ये हाई होगा बिकॉज ऑफ हायर कंप्रेशन रेशियो ये कैसे होता है चलिए इसको वेरीफाई करते हैं अभी नेक्स्ट uh, लेक्चर में हम देखेंगे फार्मूला फॉर द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो एंड डीजल साइकिल तो जो ऑटो और डीजल साइकिल है ऑटो और डीजल साइकिल इनकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है आर पे कंप्रेशन रेशियो पे आर पे कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करती है तो कंप्रेशन रेशियो जब हम बढ़ाते हैं जब कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो इनकी जो थर्मल इफिशेंसी है वो क्या होती है बढ़ती है तो देखिए इन द केस ऑफ सीआई इंजन जो कंप्रेशन रेशियो है 16 से 20 है जबकि इन केस ऑफ ऑटोसाइकिल जो कंप्रेशन यानी कि ऐसा इंजन जो कंप्रेशन रेशियो है वह सिक्स टू टेन है तो हायर द कंप्रेशन रेशियो मीन्स हायर द थर्मल इफिशंसी इस वजह से जो ऐसा SI इंजन है उसकी जो थर्मल इफिशंसी है लो है और सी आई इंजन की ज़्यादा है ड्यू टू लोअर एंड हायर कंप्रेशन रेशियो बट एट सेम कंप्रेशन रेशियो पे अगर हम तुलना करें एट सेम कंप्रेशन रेशियो अगर हम दोनों की कंप्रेशन रेशियो सेम रखें तो इन दैट केस ऐसा इंजन की थर्मल इफिशंसी हायर होगी कंपेयर टू सी आई इंजन अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल तो फ्यूल की इंट्रोडक्शन की बात करें SI engine, एक एक तो इन इंजन ए गैसियस मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सक्सन स्ट्रोक ए कार्बोरेटर इज नेसेसरी टू प्रोवाइड द मिक्सर तो इन इंजन के केस में ड्यूरिंग सक्सन स्ट्रोक एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है कंबशन चैम्बर में और इस मिक्सचर को बनाने के लिए करेक्ट मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर ले जाने के लिए हम एक कार्बोरेटर का यूज करते हैं एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कार्बोरेटर कार्बोरेटर का जो मेन फंक्शन है वह है कि वो करेक्ट एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को बनाता है ठीक बट इन द केस ऑफ सीआई इंजन फ्यूल इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इन द कम्बन चैम्बर एट हाई प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक और ए फ्यूल पंप एंड इंजेक्टर आर नेसेसरी ओके तो इन द केस ऑफ जो सीआई इंजन है ड्यूरिंग सक्सन स्ट्रोक इसमें केवल एयर अंदर जाता है एयर प्लस फ्यूल का मिशन नहीं केवल एयर एलोन एंटर करता है फ्यूल को हम कब इंजेक्ट कराते हैं ड्यूरिंग नहीं एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक जहां कंप्रेशन इंड होगा किसका एयर का कंप्रेशन जहां पे इंड होता है वहां पे हम फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूल पंप एंड फ्यूल इंजेक्टर ओके तो यहां पे दो ये एक मेन डिफरेंस है कि यहां पे एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आता है ड्यूरिंग सक्सन स्ट्रो जबकि इन द केस ऑफ इंजन एयर करता है ओके okay. और इसमें दो जो डिफरेंट डिवाइस यूज होती हैं एक तो इसमें इस केस में कार्बोरेटर यूज होता है जबकि और स्पार्क प्लग यूज होगा स्पार्क प्लग जबकि इन द केस ऑफ सी आई इंजन यहां एयर एयर फिल्टर फ्यूल पंप एंड फ्यूल इंजेक्टर यूज होता है अब हम बात करेंगे फोर स्ट्रोक एंड टू स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में कि फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन होते क्या हैं, टू स्ट्रोक साइकिल इंजन होते क्या हैं? फोर स्ट्रोक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फोर स्ट्रोक यानी कि ऐसे इंजन जिसमें एक कंप्लीट साइकिल पूरा होने में फोर स्ट्रोक की नीड पड़ती है फोर स्ट्रोक की नीड पड़ती है ऐसे इंजन को बोलेंगे फोर स्ट्रोक इंजन एंड ऐसे इंजन जिसमें एक कंप्लीट साइकिल को पूरा होने में टू स्ट्रोक की नीड पड़ती है ऐसे इंजन को हम बोलते हैं टू स्ट्रोक इंजन। इंजन तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि होता क्या? अगर हम फोर स्ट्रोक की बात करें, साइकिल पिस्टन the the या इन टू रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट मतलब जो एक कंप्लीट साइकिल है अगर हम साइकिल की बात करें साइकिल होता क्या बेसिकली साइकिल जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जिसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साइकिल तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में इन द केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन फोर स्ट्रोक इंजन फोर स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन या टू रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक की जरूरत पड़ती है मींस कि वन पावर स्ट्रोक इज ऑप्टेड इन एवरी टू रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक

एक कंप्लीट साइकिल टू स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन या एक रिवोल्यूशन में कंप्लीट होती है और यहां पे एक पावर स्ट्रोक एक रिवोल्यूशन में मिलता है नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्निंग मोमेंट की तो इस इन द केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन जो टर्निंग मोमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म एंड हेंस एंडियर फ्लाई व्हील इज रिक्वायर्ड क्योंकि यहां पे जो जो हमें पावर आउटपुट मिल रहा वो टू रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक्स में मिल रहा है जबकि इन द केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन टर्निंग इज टन मोर यूनिफॉर्म एंड हेंस लाइटर फ्लाई व्हील कैन बी यूज तो इन द केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन क्या हो रहा है कि एक रिवोल्यूशन में हमें एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है तो इसका जो टर्निंग मोमेंट है टू स्ट्रोक के केस में वो मोर यूनिफॉर्म है कंपेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन इस वजह से यहां पे हमें लाइटर फ्लाई व्हील की जरूरत पड़ती है फ्लाई व्हील बेसिकली करता क्या है द मेन फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील इज टू स्टोर एनर्जी मीन्स कि हमें एक साइकिल में सपोज एक स्ट्रोक में हमें एनर्जी मिल रहा है और रेस्ट स्ट्रोक में हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रहा तो रेस्ट 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 ऑफ जो जो स्ट्रोक होंगे उनको भी तो वो कैसे होंगे तो उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है फ्लाई व्हील तो इस वजह से आ, हमें फोर स्ट्रोक इंजन में हाइवर व्हील की जरूरत पड़ती है वेर एज इन टू स्ट्रोक इंजन लाइटर फ्लाई व्हील की रिक्वायरमेंट है अगला है बिकॉज ऑफ वन पावर स्ट्रोक इन टू रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक्स ऑफ लेसर कूलिंग एंड लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट लोअर रेट ऑफ वियर एंड टीयर तो यहां पे हमें पता है कि एक पावर स्ट्रोक टू रिवोल्यूशन में मिल रहा है जिसके वजह से हमें लेसर कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी और लोअर रेट ऑफ वियर एंड टीयर होगा बट इन द केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन वन पावर स्ट्रोक इन वन रिवोल्यूशन देयर फॉर ग्रेटर कूलिंग एंड लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट एंड इन दिस इन दिस इंजन हायर रेट ऑफ वियर एंड टीयर फोर स्ट्रोक इंजन के केस में एक पावर स्ट्रोक जो मिलता है वो टू रिवोल्यूशन ऑफ द है इस वजह से यहां पे लेसर लेसर कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जबकि यहां पे एक पावर स्ट्रोक एक रिवोल्यूशन में मिल रहा है इस वजह से ग्रेटर कूलिंग एंड लुब्रिकेटिंग लुब्रिकेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नेक्स्ट इज पावर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम साइज ऑफ द इंजन

एंड वाल्व एक्चुएटिंग मैकेजम टू ओपन एंड क्लोज द वाल्व इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन दो वाल्ब होते हैं इनलेट जिसको सक्सन वाल्व भी बोलते हैं और दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व और यहाँ पे जो वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उसके लिए एक हम वाल्ब एक्चुएटिंग मैकेजम करते हैं और बाई बाई दिस दिस वाल्व एक्चुएटिंग मैकेजम इनलेट और आउटलेट वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है बट इन द केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन देर आर नो वॉल्व बट ओनली पोर्ट्स तो टू स्ट्रोक इंजन के केस में कोई वॉल्व नहीं होता केवल क्या होता है पोर्ट्स होते हैं तो यहां पे तीन पोर्ट्स यूज होते हैं कौन कौन से जो तीन पोर्ट्स है वह है नंबर वन इज इनलेट पोर्ट नंबर टू एक्जॉस पोर्ट नंबर थ्री ट्रांसफर पोल इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन वॉल्स नहीं यूज किए जाते हैं पोर्ट्स यूज होते हैं नेक्स्ट वन इज इनिशियल कॉस्ट अगर हम इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो फोर स्ट्रोक इंजन का जो इनिशियल कॉस्ट है वो मोर है कंपेयर टू टू स्ट्रोक इंजन की ओके मीन्स की इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन कॉस्टली होता है कंपेयर टू टू स्ट्रोक इंजन नेक्स्ट वन इज वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी तो वॉल्यूमेटिको डैटमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई स्वेप्टॉलम तो वॉल्यूमेट्रिक इफेंसी इज मोर किसका फोर स्ट्रोक इंजन का ड्यू टू मोर टाइम ऑफ इंडक्शन यानी कि जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर का जो इंडक्शन टाइम है वो ज्यादा होता है इन द केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन इस वजह से इसकी वॉल्यूमेटिक ज्यादा होती है बट इन द केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन वॉल्यूमेट्रिक इफिशंसी इज लेस ड्यू टू लेसर टाइम फॉर इंडक्शन ठीक नेक्स्ट वन इज थर्मल अगर हम थर्मल की बात करें तो फोर स्ट्रोक इंजन की जो थर्मल होगी हायर होगी एंड पार्ट लोड पे भी थर्मल क्या होती है बेटर होती है पार्ट लोड मतलब अगर किसी इंजन को हम फुल लोड पे नहीं ऑपरेट करा रहे हैं पार्ट लोड पे ऑपरेट करा रहे हैं जैसे 50 परसेंट सिक्सटी परसेंट तो उस केस में भी थर्मल थर्मलसी ज्यादा होती है किसकी फोर स्ट्रोक इंजन की बट इन द केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन Is lower and part is poor. साथ ही साथ पार्ट रोड पर अगर ऑपरेट करें तो उसके भी इफिशंसी क्या होती है पुअर होती है अगर हम अपलिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोर स्ट्रोक इंजन आर यूज वेयर इफिशंसी इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कार बसेस ट्रैक्टर्स पावर जनरेशन एक्सेट्रा वेयर इज इन टू स्ट्रोक इंजन आर यूज वेयर लो कॉस्ट कॉम्पैक्टनेस एंड लाइट वेट आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स मोपेड्स स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स हैंड स्पे एक्सेट्रा नाउ आई विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन एंड फोर स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन तो पहले हम देखेंगे वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक साइकिल स्पार्क इग्निशन स्पार्क इग्निशन मीन्स जहां पे एयर प्लस फ्यूल का जो इग्निशन हो रहा है ड्यू टू स्पार्क प्लग हो रहा है ठीक तो चलिए इसमें हम देखते हैं तो पहले जो एक कंप्लीट साइकिल है एक कंप्लीट साइकिल इसमें चार प्रोसेस हैं जिसको इंटेक भी बोलते हैं कंप्रेशन पावर या एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट ये चारों प्रोसेस कंप्लीट होंगे फोर स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन या टू रिवर्स ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इन द केस ऑफ फोर स्ट्रोक साइकिल स्पार्क इग्निशन इंजन के केस में तो हम वन बाय वन देखेंगे कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक क्या हो रहा है ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक क्या हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्रोक क्या हो रहा है और ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या हो रहा है ठीक और स्पार्क इग्निशन और सीआई यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो मेन डिफरेंस है यहां पे स्पार्क प्लग यूज होगा और इन द केस ऑफ सीआई इंजन वहां पे फ्यूल इंजेक्टर होता है ठीक तो सबसे पहले हम बात करते हैं सक्शन स्ट्रोक की तो इन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक यानी कि फर्स्ट वन है यह सक्सन स्ट्रोक तो ड्यूरिंग सक्सन स्ट्रोक सक्सन वॉल्व ओपन एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज पिस्टन का मूवमेंट फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर एंड ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक एयर फ्यूल मिक्सचर फ्रॉम द कार्बोरेटर इज ड्रॉन इन टू द इंजन सिलेंडर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस तो ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक जो स्ट्रोकन स्ट्रोक में क्या होगा एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर बाहर से कंबशन चैंबर में आता है Next one is compression stroke, and this stroke second stroke. So, during compression stroke, suction valve, suction valve closed, exhaust valve closed, piston movement from bottom dead center to top dead center, and during this stroke, air fuel mixture is compressed to a high pressure, and spark is produced. Spark is produced at the end of the stroke. ंग द स्पार्क प्लग एंड कंबस्शन बिगे तो ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक क्या हो रहा है एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस्ड हो रहा है और एट द एंड ऑफ द कंप्रेसन स्ट्रोक वो क्या हो रहा है कंबस्टन भी हो रहा है एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसन स्ट्रोक तो ड्यूरिंग एक्सपेंसन स्ट्रोक ये थर्ड वर्ड जिसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं तो ड्यूरिंग एक्सपेंसन स्ट्रोक सक्सन वाल्व क्लोज एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज piston movement from top dead center to bottom dead center and during this stroke hot gases produced by the combustion expands in the cylinder and power is produced Thick. and the last stroke is exhaust stroke so during exhaust stroke this fourth one suction valve closed exhaust valve open piston movement from bottom dead center to top dead center and during this stroke

कि इन द केस ऑफ कंप्रेशन इग्निशन यहां पे फ्यूल इंजेक्टर यूज हो रहा है स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर हो रहा और इसमें ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक एयर एलोन इंटर करता है जबकि इन द केस ऑफ इंजन एयर प्लस फ्यूल का इन हो रहा था कम्पर्शन चैम्बर में आ रहा था बट इन द केस ऑफ सी आई इंजन केवल एयर इंटर करता है तो चलिए देखते हैं फटाफट देखते हैं कि क्या इसका वर्किंग है तो अगर हम बात करें कंप्रेशन स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक की तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक फर्स्ट वन क्सन वाल्व ओपन एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज पिस्टन मूवमेंट फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर और ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक एयर एलोन थ्रू द एयर फिल्टर इज ड्रॉन इन टू द इंजन सिलेंडर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस तो यहां पे एयर एलोन अंदर आता नेक्स्ट वन इज वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक साइकिल कंप्रेसर सॉरी द नेक्स्ट स्ट्रोक इज कंप्रेशन स्ट्रोक तो ज्यूरिंग दिस स्ट्रोकन वाल क्लोज exhaust valve closed piston movement from bottom dead center to top dead center and during this process air is compressed to a high pressure high pressure diesel is injected at the end of the stroke and the combustion of fuel begins using the temperature of air the next stroke is expansion stroke so during this stroke suction valve closed exhaust valve closed piston movement from top dead center to bottom dead center and during this stroke Hot gases produced by the combustion expands in the cylinder and power is produced, and this is the power of yeah? exhaust stroke. Okay. And the last stroke is exhaust stroke. During this stroke, this fourth one, during this stroke, suction valve closed, exhaust valve open, piston movement from bottom dead center to top dead center, and during this stroke, the burnt gases are left to the atmosphere due to pressure difference. So, this is the

कौन कौन से प्रोसेस uh, कंप्लीट होंगे एक तो आपका सक्सन और दूसरा कंप्रेशन और जो नेक्स्ट स्ट्रोक है डाउन स्ट्रोक ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक जो एक प्रोसेस कंप्लीट होगा वो होगा एक्सपेंशन या पावर और दूसरा एग्जॉस्ट ठीक तो ये जो चारों प्रोसेस हैं वो टू स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन यानी वन रेव्यूशन ऑफ द क्रैक्सट कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर यूज होता और बाकी वर्किंग सेम है तो मैं यहाँ पेगा क्या है पिस्टन पुस्ड फ्रॉम बॉटम डेट सेंटर टू टॉप डेट सेंटर एज ए रिजल्ट गेट्सर द मिक्सर एक्सपेंड एंड पिस्टन इज पुश डाउन the inlet port is open during the upstroke while the inlet port is open the mixture get sucked inside the crankcase this mixture is ready to go into the combustion chamber during downstroke but remains in the cranks crankcase until the piston goes up till top dead center in this stroke the crankshaft makes the rotation of 180 degree i during one stroke you are suction or a compression and during down stroke, the piston moves from top dead center to bottom dead center, letting the fresh air enter into the combustion chamber through transfer port. The fresh air fuel mixture gets into the combustion chamber through the crankcase by the help of transfer port. Waste heat is exhausted in this stroke. The crankshaft makes the rotation of 180 degree. So during the down stroke of the piston, the process complete expansion or exhaust. So this is the complete working of two stroke cycle assignment so in next class i will discuss about auto cycle thank you for watching